हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल ए लिटिल हेल्प तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास सेवन की हिंदी की बुक वसंत का जो चैप्टर फोर है कटपुतली तो ये पाठ स्टार्ट करने से पहले ये पोयम आपको पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी क्या आप आज़ाद हैं तो आप सोच रहे होंगे कहाँ की आज़ादी मैडम जी एग्ज़ाम है जब तो आपकी वीडियो खोल के बैठे हैं तो ये आपके लिए आज़ादी क्या है आप पढ़े नहीं लिखे नहीं ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल बिंदास गेम खेलें फ़ोन चलाएं, मूवीज़ देखें चलिए एक ऐसी ही आज़ादी और क्रांति की कहानी एक आज़ादी की पोयम ये है चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आज़ादी और कौन किससे आज़ादी मांग रहा है चलिए आए कटपुतली गुस्से से उबली बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो तो स्टूडेंट्स इस, इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि ये जो कठपुतली है जिनको चारों तरफ से ये देखिए कि धागों ने घेर रखा है ये उनके आसपास पूरी तरफ धागे हैं तो वही कठपुतली क्या बोल रही है वो गुस्से से उबल गई उबली मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उसका दिमाग गर्म हो गया जैसा कभी कभार आपका भी हो जाता है जब आपके कम मार्क्स आ जाते हैं या मम्मी पापा आप पे चिल्ला देते हैं या मार देते हैं तो ऐसे ही कुछ किसके साथ हुआ कठपुतली के साथ हुआ वो गुस्से से उबली मतलब बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ये सारे धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं इन्हें तोड़ दो तो इसका मतलब क्या है वो चाहती है कि ये जो बंदिशें हैं ये जो उसको आज़ादी नहीं मिल रही है उसको बांध के रखा है ये धागे क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स उसकी आज़ादी छीन रहे हैं ये धागे क्योंकि स्टूडेंट्स धागों में बंधना और किसी की उंगलियों पे नाचना क्या होती है एक तरीके से गुलामी है चलिए आगे देखते हैं वो क्या बोलती है सुनकर बोली और और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंच हुए तो स्टूडेंट्स तो बच्चों जब एक कठपुतली ने आवाज़ उठाई तो जो दूसरी कठपुतलियाँ थीं उनने भी क्या किया उन्हें भी आवाज़ उठाई और वो बोलती हैं कि बहुत दिन हो गए हमने अपने मन को क्या नहीं किया अपने मन के छंद नहीं छुए एक तरीके से छंद का मतलब आप ये समझिएगा कि बच्चों उनकी जो मन की खुशी है कि जो दिल से आपको खुशी मिलती है अगर आपकी सारी चीज़ें मिल जाएँ आप चाहते हैं आपको बाइक मिल जाए आप चाहते हैं आपको फ़ोन मिल जाए आप चाहते हैं आपको बुक्स मिल जाएँ तो आपकी जो फेवरेट चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है तो ऐसे ही कुछ कठपुतलियाँ कहना चाहती हैं कि बहुत दिन हो गए हैं हमारा दिल क्या नहीं हुआ है हमारा मन क्या नहीं हुआ है खुश नहीं हुआ है अब आप सोच रहे होंगे कि पहले एक कठपुतली बोली फिर दूसरी क्यों नहीं बोली क्योंकि स्टूडेंट्स आपको एक बात मैं इससे कंपेयर करके बताती हूँ जब इंडिया क्या था जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था तो ऐसे कोई नहीं बोलता था सब चुपचाप थे लेकिन कोई एक फ्रीडम फाइटर आया आगे आए फ्रीडम फाइटर्स उनने आवाज़ उठाई तभी हम भारतीयों को समझ में आया कि हाँ हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए जैसे कि झांसी की रानी हो गई और महात्मा गांधी और बहुत से हैं तो आप इससे क्या समझेंगे कि जब कोई एक इंसान आगे आता है और वो आपको सच बताता है तो दूसरों को क्या मिलता है सोचने का सम समझने का और आगे क्या करने का आगे स्टेप्स लेने का मौका मिलता है ऐसे ही कुछ एक कठपुतली ने आगे आके दूसरी कठपुतलियों को मौका दिय, दिया कि आओ अपनी आज़ादी के लिए लड़ो चलिए आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी तो स्टूडेंट्स इस, इस पैराग्राफ में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है वो मैसेज ये है कि पहले पहली कठपुतली ने तो बोल दिया कि ये जो मेरे सामने मुझे आज़ादी नहीं मिली है मुझे गुलामी में जो रखा जा रहा है मेरी फ्रीडम जो छीनी जा रही है ये जो धागे मेरे आस पास हैं जो मुझे एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं उन्हें हटा दो लेकिन स्टूडेंट्स बाद में वो सोचने लगी ये कैसी बात मैं कर रही हूँ और ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग रही है क्योंकि स्टूडेंट्स जो सबसे पहले आगे आता है आपको एक बाप के तो पता ही होगा या आपने ये सुना ही होगा सेंटेंस सच के लिए जो लड़ता है उसके दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा होते हैं तो ऐसे ही कुछ उसके मन में आया कि जो मैं आज़ादी मांग रही हूँ क्या मुझे सच में मिलेगी क्या मैं इसमें जीत सकूंगी या हार सकूंगी क्योंकि उसको दिमाग से फैसला करना था कि इसका जो नतीजा होगा इसके जो आगे चीज़ें होंगी इसका जो रिजल्ट होगा वो सही होगा या नहीं यही सारी चीज़ें इस पोएम में एक छोटी सी कविता में बताई जा रही हैं और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा पैराग्राफ आपको पढ़ के बताते हैं फिर ये कविता समाप्त हो जाएगी कविता के बारे में इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता स्वतंत्रता की इच्छा के स्वर अपनी बात व्यस्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है वे अपने पाँव पर पाँव पर खड़ी होने होना चाहती है उनकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की, की जिम्मेदारी आती है वह सोच सोच कर कदम उठाना ज़रूरी समझती है तो इस पोएम में इस कविता में ये बताया जा रहा है बच्चों कि यहाँ पे जो कठपुतलियाँ हैं उनकी जो आज़ादी है वो छिन गई थी तो उस आज़ादी को वापस पाने के लिए वो आवाज़ उठाती हैं वो डिसीजंस लेती हैं जैसे आपने भी कभी कभार गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई होगी ये सारी चीज़ें भी इनके साथ भी हो रही हैं वो भी कहती हैं ये जो धागे हमें दूसरों की उंगलियों पर नाचने के लिए दूसरों के डिसीजन्स पे एक तरीके से हाँ बोलने पे जो मजबूर करते हैं हम ये नहीं चाहते हम अपनी लाइफ अच्छे से गुजारना चाहते हैं हमें फ्रीडम चाहिए हमें ये धागे नहीं चाहिए इन्हें तोड़ दो और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है जब पहली कठपुतली बोलती है तो उसको क्या करना पड़ता है उसको बहुत समझ सोच समझ कर फ़ैसला करना पड़ता है कदम उठाना पड़ता है कि ये ज़रूरी है या नहीं चलिए तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि ये यहीं है इतनी सी छोटी सी कहानी है स्वतंत्रता की अब आप सोच रहे होंगे इतनी सी कहानी बताने की इतनी छोटी सी कविता पढ़ाने की ज़रूरत क्या थी तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ वीडियो ख़त्म होने से पहले कि ये उस टाइम पे लिखी गई थी जब हम खुद क्या थे स्टूडेंट्स हम एक तरीके से गुलामी के चंगुल में थे वो गुलामी हम किसकी कर रहे थे ब्रिटिशर्स की अंग्रेज़ों की कर रहे थे तो उस टाइम स्टूडेंट्स जो कवि होते थे जो उस टाइम जो पेन होती थी उसकी बहुत कीमत होती थी पेन की कीमत ऐसे क्यों होती थी कलम की कीमत इसलिए हुआ करती थी क्योंकि लिख के आप बहुत लोगों के दिल में दिमाग में क्रांति ला सकते थे उनको बता सकते थे कि ये जो बेड़ियाँ हैं ये जो काय की अंग्रेज़ों की बेड़ियाँ हैं ये जो आपकी आज़ादी छीन रही हैं, इनको आप तोड़ सकते हो आप आगे आ सकते हो आपकी खुद की भारत भूमि है आप लड़ सकते हो तो स्टूडेंट्स इस, इस कविता में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं क्योंकि उस टाइम पे लिखी गई थी तो इसका मैसेज ये था और आज आप इससे क्या मैसेज लेंगी आज आप इससे ये मैसेज लेंगे क्या क्योंकि आज़ादी सबके लिए ज़रूरी है अब आपने बहुत से लोगों को देखा होगा आप लोग एनिमल्स को मारते होंगे कभी कभार आपके जो पेट एनिमल्स आपको बाहर देखते होंगे आपको लगता होगा डॉग आपको काट लेगा तो आप पत्थर दिखाते होंगे ताकि वहाँ से निकल जाए या आप घर में पेट एनिमल्स को बंद करके रखते होंगे तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सबके लिए आज़ादी ज़रूरी है चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो चाहे वो कोई भी हो तो इसलिए आप क्या करिए एक इंसाफ के साथ काम करिए और सबको आज़ादी दीजिए अपने आसपास देखिए कि कौन ऐसा है जिस पे क्या हो रही है हाँ जिसपे ज़्यादती हो रही है जिसपे क्या हो रहा है लोग क्या कर रहे हैं जुल्म कर रहे हैं ओके स्टूडेंट्स चलिए अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर